ਤੇ ਆਗਾਮੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸ਼ਿੰਗਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਮਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। सो चोन प्रचार किया जाएगा। विशेष तौर पर तुहानू दस दिए कि दिल्ली सरकार दी उपलब्धियां गिणवाईयां जाणगियां, पंजाब सरकार दी हुण तक दी उपलब्धियां गिणवाईयां जाणगियां, उस दे आधार ते जिहड़ी है उह चोन प्रचार किया जाणा। तो उधर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने रोस प्रदर्शन किया। सो राजधानी दिल्ली के राजघाट से भारतीय जनता पार्टी ने रोस का प्रगटावा किया। अरविंद केजरीवाल के अस्तीफे की मांग की जा रही। कथित शराब घोटाले मामले के दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को खूब उन्होंने घेरिया। कई तरह के वड्डे सवाल शराब घोटाले मामले में लैके उन्होंने आम आदमी पार्टी खड़े किए हैं। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम के अस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव के नाल अरविंद केजरीवाल अस्तीफा देन। सो दिल्ली के राजघाट से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदर्शन देखने को मिलिया कथित शराब घोटाले मामले के। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको राहत नहीं मिल रही। कोर्ट कह रही है कि आप कट्टर बेईमान हैं, आपके भ्रष्टाचार के सबूत मिल चुके हैं, मनी ट्रेल मिल चुका है, तो क्या कोर्ट भी मिली हुई है? अच्छा चलिए बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पर तो आप आरोप लगा देते हैं, आपकी नई नई साथी कांग्रेस पार्टी ने, सुप्रिया शिनेत, पवन खेड़ा, अजय माकन, अनिल चौधरी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा केजरीवाल स्वयं भ्रष्ट है। क्या वो भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो बताइए कि केवल और केवल ये विक्टिमहुड कार्ड खेलने से नहीं होगा। आज जो सवाल शराब घोटाले के निर्माण हुए हैं, दिल्ली की जनता आपसे जवाब चाहती है।